एसआर मध्य प्रदेश की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है। इस बार नीमच में मृत पशुओं के शरीर से फैली बदबू ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था, जिसे एसआर मध्य प्रदेश की टीम ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने इसे संज्ञान में लेते हुए इस पर काम शुरू कर दिया है। एसआर मध्य प्रदेश की खबर का फिर हुआ असर, लोगों की आवाज जिम्मेदारों तक पहुँचाई। अब शुद्ध हवा में सांस लेगा तीखी रूढ़ी का। काफी वक्त से बदबू से परेशान थे ग्रामीण। नीमच जिले में आने वाला यह तीखी रूढ़ी गांव पिछले कई समय से मृत पशुओं की बदबू से परेशान था। ग्रामीणों की लाख कोशिशों के बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके बाद एसआर मध्य प्रदेश की टीम ने यहां मौजूद ग्रामीणों की परेशानी को समझते हुए इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और इस ओर ध्यान दिया। जिला कलेक्टर रजनी श्रीवास्तव ने कार्रवाई करते हुए जीनल तहसील स्थित चमड़ा कारखाने को बंद करने के निर्देश दिए। प्रशासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश से इनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ से जो भी पशु मर गए थे इनको मतलब जो हटा करके और बाहर भेज रहे हैं। अब जो नए पशु आएंगे उनके लिए अपन व्यवस्था कर रहे हैं उधर चैनपुरा सीमा में, ताकि क्या है कि किसी प्रकार की कोई पानी की या दूषित होने की कोई संभावना नहीं। गौरतलब है कि एसआर मध्य प्रदेश ने जनहित में यह मुद्दा उठाया था। इस पहल पर जिला प्रशासन हरकत में आया और जिला कलेक्टर ने कारखाने को बंद करने के निर्देश दिए, जिस पर आज यह कार्रवाई हुई है। वहीं ग्रामीणों और आसपास के सैकड़ों परिवारों ने इस कार्रवाई के लिए हमारी टीम को शुक्रिया भी कहा। मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनने इतने ज्वलनशील मुद्दे को उठाया उनके चैनल के माध्यम से, उनके समाचार पत्रों के माध्यम से, जिससे कि यहाँ पे तुरंत कार्रवाई हुई और आज की तारीख में यहाँ के ग्रामीण खुशहाल हैं और नीमच शहर की जनता को स्वच्छ पानी मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का। पिछले कई सालों से रामनगर और तीखी रूढ़ी में चमड़ा कारखाना चल रहा था, जिसके चलते पूरा गांव वीरान हो चुका था। साथ ही नीमच की जनता की प्यास बुझाने वाले जाजू सागर में जाकर मिल रहा था और वही पानी नीमच की जनता पीने पर मजबूर थी। सर, हम ये बोलना चाहेंगे कि आपका बहुत धन्यवाद है। यहाँ से हट गए, यहाँ से हड्डियाँ उठनी शुरू हो गई है, यहाँ सब कचरा वगैरह अच्छे से हो रहा है, तो अच्छे से रहेंगे सब लोग, अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सब लोग का जिंदगी सुधर जाएगी सबकी। आप बदबू से बहुत परेशान थे, अब कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत अच्छा लग रहा है, सबकी जिंदगी सुधर जाएगी तो बहुत अच्छा है। बहुत परेशान थे हम इस बदबू से, अच्छा लग रहा है। यहाँ से उठाई दिया तो हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे को सब सहायता हो गई। पहले आप 24 घंटे मुंह पे कपड़ा बांध के घूमते थे, अब कैसा लग रहा है? 24 घंटे मुंह के बांध कपड़े के फिर घूमते और यहाँ से ऐसे ढाटा लगा के रहते और खाना भी नहीं खाते, हमारे को रोटी भी नहीं बनाते, रोटी बनाते बनाते नहीं। अब हट गया तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अभी हट गया तो हमारे को बहुत अच्छे लग रहा है। फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई से ग्रामीणों की समस्या को दूर कर दिया गया है और वही प्रशासन का यह भी कहना है कि आगे भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह की लापरवाही आगे न हो।